नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासनिक अमले के अधिकारी लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा ना हो। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहां 22 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां पर प्रशासन किस तरह से कोरोना से निपटने के लिए काम कर रहा है, इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई से हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। कोरोना को लेकर के गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हमारे साथ पहुंचे। सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जनता को आग्रह करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घर में रहें और शासन प्रशासन का सहयोग करें। शासन प्रशासन तत्पर है कि इस बीमारी को निपटने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो कठोर हो, थोड़ा बहुत असुविधा होने वाली भी हो, हम उठाएंगे। वो इसलिए है कि इसका आखिर में जो फ़ायदा होगा वो समाज को होगा और इस जनपद के हर नागरिक को होगा। मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में शासन प्रशासन के मंशा को समझते हुए आप हमारा साथ देंगे। सर, इस समय स्थिति क्या है, अगर जिले की बात करें कितने पेशेंट हैं? आज की तारीख में टोटल एक्टिव केसेस 52 हैं, 12 लोग डिस्चार्ज होके घर जा चुके हैं। टोटल अब तक जो हुई मामले हैं वो 64 है। हमें आंकड़ों से ज़्यादा ये देखनी है कि जिनको भी जो भी COVID-19 पॉजिटिव हुए हैं उनकी स्थिति क्या है। उनकी स्थिति स्टेबल है, भगवान की कृपा से हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में वो भी डिस्चार्ज होके चले जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं है, ये समाज के प्रत्येक वर्ग की है और इस देश के, इस जनपद के प्रत्येक नागरिक की है। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जिलाधिकारी थे नोएडा के, वो बता रहे थे कि इस लड़ाई पे अगर जीत पानी है तो इसमें प्रशासन को ही नहीं आम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा ताकि इस जो कोरोना का ये वैश्विक महासंकट है उस पे काबू पाया जा सके।